सना आपी, आप क्या कर रहे हैं? वेल सना आपी, आप क्या कर रहे हैं? इस चेमू विन का मुझे मत देखो। सना आपी, आप क्या कर रहे हैं? इस चेमू विन का जब हम कश्मीर आते हैं तो यहाँ की जो स्पेशली जो खाना है यहाँ पे और जो यू नो हॉट बेवरेज है वो काफी पॉपुलर है, बहुत डिफरेंट है। हमें ऐसा लगता है कि जनरली लोग यू नो ये ग्रेवी बनाते हैं, ये राइस, बट टेस्ट में बहुत डिफरेंस है कंपेयर टू व्हाट वी ईट। सो आई वाज थिंकिंग कि मुझे कुछ तो कश्मीर से सीखना है, एंड आई थिंक कावा वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू नो दैट क्रॉस माय माइंड, बिकॉज सबसे ईजी है, इतना टाइम नहीं लेता है और आप कुछ सीख जाते हैं, कुछ शो ऑफ कर सकते हैं कि यू नो मैंने यहाँ का ये डिश सीख लिया, ये चीज सीख ली। तो मैंने सोचा कि, और मुझे कावा पीना बहुत पसंद है, चाहे वो कश्मीरी कावा हो चाहे वो अरबिक कावा हो, दे आर माई फेवरेट। सो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे यू नो रेहाना बाजी से इनफैक्ट यहाँ पे सीखा है कि कैसे बनाते हैं कावा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कावा कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल है और ये बहुत अच्छा यू नो ड्रिंक है पोस्ट योर डिनर, जो बहुत लोगों को चाय पीने की आदत होती है, कुछ लोग ब्लैक टी पसंद करते हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज वेरी लाइट, इसके अंदर ऑफकोर्स मिल्क नहीं होता है तो ये और लाइट हो जाता है, एंड यू कैन ईजिली एंजॉय। एंड या सो कम, आई शो यू हाउ टू मेक कश्मीरी कावा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें रेडी कर दी है। सो ये है इलायची दैट वी हैव, क्योंकि हमें अभी इसे इलायची को उबालना है, तो अभी मैं इलायची डाल रही हूँ इसके अंदर और मैं इसे बॉईल होने थोड़ा वक्त रखूंगी ताकि इलायची का टेस्ट पानी में आ जाए एंड अच्छा लगे। तो अब हम ये बादाम डालेंगे जो नॉर्मल बादाम है, एंड इसे बस ऐसे छोटे पीसेस में काटा गया है, सो आई एम गोना पुट इट इन दिस ताकि ये थोड़ा सा नरम और सॉफ्ट हो, ताकि पीने में और मजा आए। और अब ये इलायची और बादाम उबल रहा है, एंड जो इलायची है वो अपना फ्लेवर छोड़ रही है, एंड बादाम का भी इनफैक्ट खुशबू आ रही है। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर जाफरान और शुगर। ये है जाफरान और शुगर, जाफरान को पानी में भिगोया है ताकि ये थोड़ा सा अपना कलर छोड़े एंड यू नो खूबसूरत दिखे। ये पूरा शक्कर, शक्कर आप ऑफकोर्स जितने लोग यू नो ऑब्वियसली पीने के लोग हैं उसके हिसाब से ही आप शक्कर डालोगे, एंड ये जाफरान है जो हमने अच्छा खासा डाला है बिकॉज इसका जो मेन टेस्ट और जो इसका फ्लेवर है, और इसे कश्मीरी कहवा कहा जाता है, तो ऑब्वियसली कश्मीरी नाम हो और इसमें इतना जाफरान ना हो तो हो ही नहीं सकता। वाओ, जाफरान की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। जल्दी अगर कावा उबल के पीने के लिए रेडी हो रहा है, ये जो बादाम है इसे उबाला है और इसके छिलके निकाले हैं जो सा यू नो, ताकि ये इसे पहले कप में डाल दे। ये बहुत ऑलरेडी ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो जब आप यू नो जब आप सिप लोगे कावा को तो ये आपके मुंह में आएगा एंड इट विल बी वेरी इजी टू चू बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। सो या, एंड दिस इज अ स्पेशल यू नो कहवा सेट जो कश्मीर में बहुत फेमस है, एंड बहुत कलर मिलता है इसके अंदर, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये जनरली यू नो इस तरीके से प्रेजेंट भी किया जाता है ताकि थोड़ा सा आप यू नो जब आप कहवा पिए तो आपको लगे कि आप कश्मीर में हैं। बस कहवे की कप में नहीं लाओगे। रेडी? ऑलराइट, तब ले जा रही हूँ मैं, लेट्स सी क्या रिव्यू आता है। आप लोगों को मुझे पिलाना है और आप लोग प्लीज बताएं कि आपको ये कहवा कैसा लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, सो इंशाल्लाह आई एम गोना ट्राई कि मैं आगे और अच्छा बनाऊं, बट ये खुद तो पीजी आप मुझे बताएं कैसा लगा। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और जैसा मैंने आपको बोला आपने पूरा बहुत जल्दी सीखा था ना, बिल्कुल वैसे ही बना है जैसा कश्मीरी टेस्ट होता है। वाओ, बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। ये तो कश्मीरी ने से क्या पता। बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। थैंक यू साकला, और आपने बनाया तो ये और ज़्यादा टेस्टी।
अच्छा कावा बनाया। थैंक यू। मुझे जनरली ड्रिंक्स पसंद नहीं बट ये परफेक्ट है। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, दैट्स सो स्वीट। इतना झूठ बोलोगी ना। प्लीज, मैंने बहुत अच्छा बनाया जी, शराब। और लाइक कंसिडरिंग इन लोगों ने इतनी तारीफ की, आई थिंक मुझे खुद को पहला देखना चाहिए। जनरली हम खुद टेस्ट, जब मैंने टेस्ट किया था तो शुगर थोड़ा कम था, मुझे ज्यादा मीठा नहीं पसंद है, बट ऑब्वियसली मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं बनाना है। एंड मैंने वैसा रखा, मैंने सोचा शुगर हमेशा ऐड की जा सकती है, सो ट्राई। एक्चुअली बहुत टेस्टी है ये। अविश मेरे मॉम डैडी टेस्ट कर पाते हैं, आई एम श्योर उनको बहुत पसंद आता, बट दिस इज अमेजिंग। बहुत लिमिटेड शुगर है, ड्राई फ्रूट, बादाम, जाफरान, आई थिंक सबका फ्लेवर आ रहा है ना आप लोगों को, आया जाफरान का और सबका फ्लेवर। ऑब्वियसली जब भी आप कुछ भी चीज बनाते हैं तो आई थिंक उसके सारे फ्लेवर्स आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली विद यू नो विद एनी ड्रिंक। सो मुझे इसके अंदर हर चीज का फ्लेवर आ रहा है एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कावा। ये बादाम ना हमेशा नीचे ही रह जाते, मैंने देखा है प्रॉब्लम ऊपर। थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज एंजॉय माई ब्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सना खान ब्लॉग्स। दिस इज माई ओनली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।